हेलो गाइस, आज हम देखते हैं कि एक्सटेंशन बोर्ड में वायरिंग कैसे की जाती है। तो हमने एक काफ़ी हैंडी एक्सटेंशन बोर्ड बनाया है। इसमें हमने एक फ्यूज़ लगाया है और फ्यूज़ में आप देख लेना, फ्यूज़ लगाते हैं तो यहाँ पे एक वायर लगाई जाती है अंदर, एक पतली सी। और इसके बाद इसमें हमने एक इंडिकेटर लगाया है, एक इंडिकेटर लगाया है, दो 2 पिन सॉकेट और एक 3 पिन सॉकेट लगाया। तो अब हम देखते हैं हमने इसकी वायरिंग कैसे की है। तो गाइस, मैंने वायरिंग कर ली है और आप भी वायरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने फेस के लिए रेड वायर यूज़ की है और न्यूट्रल के लिए हमने ग्रीन वायर यूज़ की है, लेकिन यहाँ पे हमने ब्लैक वायर यूज़ की है आउट के लिए, क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल थी। तो अभी देखिए, हमने सबसे पहले फ्यूज से फेस देना स्टार्ट किया, फ्यूज़ के बाद फिर ये यहाँ पे इंडिकेटर में, और फिर इंडिकेटर से 2 पिन सॉकेट, फिर 2 पिन से फिर इधर वाले 2 पिन में, फिर ये यहाँ पे, और देन ये यहाँ पे 3 पिन सॉकेट में। अब हमने ये न्यूट्रल दिया है, न्यूट्रल वायर 3 पिन सॉकेट में हो गई, 2 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट, और ये इंडिकेटर, और ये फाइनल फ्यूज़ में हो गई। और यहाँ से हमने मेन, जो मेन करंट है वो वायर हो गई। ये जो गई, याद रखना, अगर आप वायरिंग कर रहे हैं तो इन्हें टाइट कर दें ताकि आपका जो एक्सटेंशन बोर्ड है अच्छे से वर्क करेगा। और आपको, जैसे कि मैंने ये 2 पिन सॉकेट दिया है, तो इस 2 पिन सॉकेट के लिए, इस 2 पिन सॉकेट को मेरा इस स्विच से काम करेगा। देखिए, यहाँ पे मैंने ये स्विच से कनेक्ट कर दिया है और ये मेरा, ये वाला 2 पिन सॉकेट है वो मेरा इस स्विच से काम करेगा, ये मैंने इससे जोड़ दिया है। और मेरा ये 3 पिन सॉकेट है वो इस स्विच से काम करेगा। मैंने यहाँ पे, मेरे पास स्विच बहुत कम थे क्योंकि ये छोटा बोर्ड है, तो इसलिए मेरा ये इंडिकेटर है, डायरेक्ट है, लेकिन इसे भी आप स्विच से कर सकते हैं और पूरे बोर्ड में भी आप स्विच लगा सकते हैं, ताकि आप वो स्विच देंगे तो बोर्ड वर्क करेगा और इतना फिर बंद भी कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरह से मैंने ये बोर्ड बना लिया। और जैसे अगर आप देखना चाहते हैं कि ये वायरिंग सही, मतलब मैं, जैसे कि वायर सही है या कैसे, तो एक्सटेंशन बोर्ड की सहायता से चेक भी कर सकते हैं आप। जैसे कि मैंने ये एक्सटेंशन बोर्ड, अगर मैं चेक करना चाहूँ तो, अगर ये मेरी वायर सही होगी तो इसमें आवाज आएगी। तो देखिए गाइज, आवाज आ रही है आपको? और जैसे ये वायर और ये वायर चेक करना चाहे तो देखिए, ये आ रही है। अब मेरा ये हो गया है। तो गाइज, अब मैंने इसको इसमें कनेक्ट करना है। इस तरह से आपका ये बोर्ड रेडी हो जाता है। और अगर अब हम देखते हैं कि ये बोर्ड वर्क कर रहा है या फिर नहीं वर्क कर रहा है, तो इसके लिए मैंने इसको मेन पावर में लगाया। गाइस देखिए, इसी हमारे इधर इंडिकेटर ग्लो हो रहा है, तो हमारा ये जो बोर्ड की वायरिंग हमने की एकदम सही की है। गाइस, बोर्ड की वायरिंग करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आपको झटका भी लग सकता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह हमारा एक्सटेंशन बोर्ड तैयार हुआ और ये अच्छे से वर्क कर रहा है।